दुनिया के तमाम देशों में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 11 लाख से ज्यादा केस सामने आए। इतना ही नहीं, इस दौरान 2,917 लोगों ने महामारी के चलते अपनी जान भी गंवाई है। दुनिया के सबसे प्रभावित देश की बात करें तो साउथ कोरिया में अभी सबसे ज्यादा केस मिले हैं। कोरिया में पिछले 24 घंटों में 3.34 लाख केस मिले हैं। यहाँ पिछले 3 दिन में करीब 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उधर चीन में एक बार फिर से कोरोना से हालात बेकाबू होने लगे हैं। ऐसे में कई जगहों पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। साउथ कोरिया में 20 मार्च को कोरोना के 3,34,708 केस मिले हैं। वहीं 19 मार्च को 3,81,329 केस मिले हैं। और अगर 18 मार्च की बात करें तो 18 मार्च को 4,70,017 केस मिले हैं। यहां पिछले 3 दिनों में करीब 900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। साउथ कोरिया में अब तक 95,82,815 लोग संक्रमित हुए हैं और 12,757 लोगों ने महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी है। चीन कोरोना से 2 साल में सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है। यहां रविवार को जिलिन प्रांत के दूसरे सबसे बड़े शहर जिलिन में प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते सोमवार को 45 लाख लोग घरों में कैद हो गए हैं। चीन में रविवार को 4,000 से ज्यादा नए केस मिले। इनमें से 2/3 केस जिलिन प्रांत में मिले। जिलिन की सीमा उत्तरी कोरिया और रूस से मिलती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना दोबारा से फैल रहा है तो उसके असर भारत में क्या देखने को मिलेंगे। बता दें कि दुनिया भर में भले ही कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भविष्य में आने वाली कोरोना की लहरों के गंभीर प्रभाव की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी के चलते आने वाले समय में कोरोना की लहरों का गंभीर प्रभाव होने की संभावना नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के केस और डेथ कम हुए हैं, ऐसे में सरकार को अनिवार्य मास्क में ढिलाई देने का विचार करना चाहिए। भारत में सोमवार को कोरोना के 1549 केस सामने आए हैं, वहीं 31 लोग की मौत हुई है। देश में अभी भी 25,106 एक्टिव केस हैं। बता दें कि इस मामले पर डॉक्टर राय ने कहा कि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर भारत के लिए विनाशकारी साबित हुई, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मौजूदा समय में यह हमारी ताकत है क्योंकि नेचुरल संक्रमण सुरक्षा की बेहतर और लंबी अवधि प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों के संक्रमण की संभावनाएं अब कम हो गई हैं। साथ ही अगर चौथी लहर आती है और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित भी होते हैं तो खतरा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर में लोग संक्रमित हुए और ठीक हो गए, ऐसा ही चौथी लहर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन चौथी लहर की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही हैं। VideoDex AmarUjala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।